जय हिंद एवरीवन। भाई आप लोग कमांडो एकेडमी को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो ये फोटो देख लो, ये अपने आप को सीआरपीएफ का जवान बताते हैं और अपने आप को एक कमांडो भी बताते हैं। आप लोग जानते हो? हाँ, जानते हैं। अभी आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक लड़की को किस तरह से वो बोल रहे थे, कितना उल्टा सीधा शब्द उसको बोल रहे थे। और पता है उसको ये भी बोले थे कि ज़्यादा होशियारी चोद रही है, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा शब्द बोले थे। तो उस पर मैं वीडियो बनाया था तो उनके कुछ चमचे ऐसा कमेंट किए थे ना कि जब किसी के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो मत बनाया करो, पहले सब कुछ उसके बारे में जानो उसके बाद से वीडियो बनाओ। तो यार अभी देखो, ये वीडियो बनाकर किसी को नीचा दिखाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो छिप नहीं सकता है। अभी वो जेल गए थे और उसमें बहुत सारे लोग वीडियो बनाए थे। देखो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया था कि कमांडो सर जेल गए, विराट सर जेल गए, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया था। कुछ लोग वीडियो बनाए थे कि विराट सर जेल गए, तो ऐसा वो लाइव में आकर बोल रहे हैं कि जब किसी के बारे में नहीं जानते हो तो मत बोला करो। मैं कहीं नहीं गया था, बोल रहे हैं कि जो गलत न्यूज़ दे रहे हैं उन लोगों का हिसाब होगा, ऐसा वो खुद बोले। और उनका ये आप लोग लाइव वीडियो देखो, वो लोग जेल जा रहे हैं। अब मान लो उनके साथ पुलिस है और वो अंदर जब जेल में है ना, तब का भी वीडियो है, आप लोग खुद देखो। और आप लोग यार डिसाइड करो कौन सच्चा है कौन झूठा है। यार झूठ चलता है लेकिन इतना झूठ नहीं चलता है मेरे भाई जो सोशल मीडिया। देखो यहाँ पर आप लोग खुद पहचानो, कमांडो एकेडमी के विराट सर हैं जिनको पुलिस पकड़ी हुई है। यहाँ आप लोग खुद लाइव देख लो, ऊपर हवालात लिखा है और अंदर हमारे कमांडो एकेडमी के विराट सर हैं जो कि इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं जेल में नहीं गया था, मुझे पुलिस नहीं पकड़ी थी, सच्चाई छुपा रहे हैं। तो क्यों छुपा रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा बहुत झूठ चलता है ठीक है ना, लेकिन इतना झूठ नहीं चलता है मेरे भाई। यहाँ पब्लिक देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं कि कमांडो एकेडमी वाले विराट सर जेल गए थे, लेकिन फिर भी कमांडो एकेडमी वाले विराट सर हार नहीं मान रहे हैं। लाइव आकर बोल रहे हैं कि जो अफवाह न्यूज फैला रहा है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आप लोग खुद देखो। अरे यार जितने लोग भी ऐसा कमेंट कर रहे हो ना कि बिना जाने बूझे कोई वीडियो मत बनाया करो, तो सुनो मेरे भाई, हम लोगों को वीडियो बनाने का शौक नहीं लगा रहता है, लेकिन ये जितने लोग भी एकेडमी वाले हैं ना या यूट्यूब पर जितने लोग भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? हम लोगों के लिए बनाते हैं ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं तैयारी करता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे साथ जितने भाई जुड़े हैं वो लोग नहीं ना वीडियो बनाते हैं? वो लोग किसके लिए मतलब कोई भी आवाज़ उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? जो आदमी झूठ बोल सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है और किसी के साथ भी ठीक है ना। तो आप लोग खुद देखो कौन सही है और कौन गलत है, और जो गलत लग रहा है ना उसको बाइकाट करो, जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पर उसको लाकर छोड़ दो ठीक है ना। अगर कोई बात बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छिपती नहीं है, सच्चाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं मतलब सामने आ ही जाएगी ठीक है ना। बाकी यार आप लोग अपना तैयारी करते रहो, अब देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, लेकिन ये टीओडी वाला सिस्टम नहीं आना चाहिए। टीओडी